फाइनली इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज स्कैटर्ड प्लॉट। उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। स्कैटर्ड प्लॉट भाई, अगर स्कैटर्ड प्लॉट की बात करूं, स्कैटर्ड प्लॉट वो आपके पास डेटा रिप्रेजेंटेशन की टाइप है जो कि आज से पहले तक तो हमारे पास थी नहीं। पिछले दो या तीन साल पहले आप कहें कि पिछले 2017 में ये फर्स्ट टाइम हमारे पास पेपर में दोबारा एड ऑन हो गई थी। बहुत पहले 2000s के अंदर ये सिलेबस का पार्ट थी, फिर रिमूव हो गई थी, फिर दोबारा स्कैटर्ड प्लॉट को 2017 में एड ऑन कर लिया गया। तो इफ वी लाइक टॉक अबाउट स्कैटर्ड प्लॉट, तो स्कैटर्ड प्लॉट में आपने करना क्या होता है? इन स्कैटर्ड प्लॉट टू वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट वन अनदर अगेंस्ट वन एंड अदर। नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई रिलेशन। और जब भी आप दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो दैट इज एक्चुअली कोरिलेशन। So you have to identify the correlation between those quantities. Correlation between those quantities. अब ये correlation वाली क्या बातें हैं? दो quantities को आपस में plot करते हैं क्या सिलसिला है? भाई अगर आपने कोई सी भी दो क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना तो डेफिनेटली आप उन दोनों क्वांटिटीज को एक साथ प्लॉट करेंगे, और क्योंकि उनके पॉइंट्स आपस में किसी ना किसी रिलेशन में होंगे, उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उस कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। अब कितनी तरह के कोरिलेशन आपके पास यहाँ पे नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन स्कैटर्ड प्लॉट, वन बाय वन जरा उन सारे कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट दोज कोरिलेशन, तो वन बाय वन जरा उन कोरिलेशन की बात कर लेते हैं, then we will move on. So first of all मैं यहाँ पे आपके पास axes draw कर रहा हूँ and I am plotting the point to tell you कि which type of correlations actually exist between the quantities. कितनी तरह के correlation आपके पास exist करते हैं between given quantities, then we will proceed. ओके भाई, नॉर्मली दीस आर द फाइव टाइप ऑफ कोरिलेशन जो हमारे पास कोई भी क्वांटिटीज में बिटवीन लाइ कर रहे होते हैं। वन बाय वन बात करते हैं। कोरिलेशन नंबर वन, आपके पास आप दोनों क्वांटिटीज के बिटवीन पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं और वो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइ कर रहे हो। आप दोनों क्वांटिटीज के बिटवीन पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइ ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो ऐसी कंडीशन में यार जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बेटा, एक चीज जरा मैं सेट करूं। Perfect. Okay. So, ऐसी कंडीशन में जो भी कोरिलेशन होगा, that correlation will be positive correlation. That correlation will be, इसको हम कहते हैं positive correlation, और ऐसी कंडीशन में ये correlation perfectly positive correlation होता है. Perfectly positive correlation. If क्वांटिटी ए के इंक्रीमेंट, देखे ना यहाँ पे आपके पास जो भी क्वांटिटी होगी दैट विल बी योर क्वांटिटी ए एंड अलोंग वाई एक्सिस दिस विल बी योर क्वांटिटी बी। तो क्वांटिटी ए के इंक्रीमेंट पे क्वांटिटी बी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी ए के इंक्रीमेंट पे क्वांटिटी बी इज इंक्रीजिंग, तो इन दैट केस यू कैन सिंपली से दिस इज अ परफेक्टली पॉजिटिव को
relation. Now let's talk about another type. When point A, when the points are on an increasing trend, but there is a minor variation between the points. मतलब अगर तुम इनको एक स्ट्रेट लाइन, एक बेस्ट फिट लाइन से कनेक्ट करो, तो बेस्ट फिट लाइन पे सारे ही पॉइंट एट अ टाइम आ नहीं पाएंगे. जैसे ये आ रहे हैं तो और नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो ये वाले मिस हो रहे हैं. तो ऐसी कंडीशन में आप इनके इन बिटवीन लाइन ड्रॉ कर देते हैं. एंड इन बिटवीन लाइन ड्रॉ करने का रीजन ये होता है, जिससे ये शो हो रहा होता है कि यार ये रिलेशन इन बिटवीन लाइन से शो हो रहा है. तो ऑल्दो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ऑल्दो दिस ट्रेंड इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, लेकिन ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होगा. वी कैन सिंपली राइट इट लाइक कि ये हमारे पास ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन है. परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन वी कैन से दैट कि ये पॉजिटिव को रिलेशन है. दिस इज ओनली पॉजिटिव को रिलेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड कंडीशन, कि भाई थर्ड कंडीशन इनमें कौन से तरह का अगर को रिलेशन होता है. इट्स लाइक कि आपके पास क्वान्टिटी डिस्पर्स हैं, उनके बिटवीन कोई रिलेशन ही नहीं है. डिस्पर्स क्वान्टिटीज, जैसे मेरे मैथ्स पढ़ाने से आपके इंग्लिश के मार्क्स का ताल्लुक. मैं मैथ्स जितनी भी अच्छी पढ़ा लूँ तो उससे इंग्लिश के मार्क्स का या हिस्ट्री ज्योग्राफी के मार्क्स का कोई कंसर्न नहीं है ना. तो ऑब्वियसली अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट का कोरिलेशन फाइंड आउट करूँ कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपल्सरी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी, और आई वुड सिंपली से कि भाई उर्दू की बात कर लो, तो उन सब्जेक्ट का, इन दोनों सब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं है. तो अगर मैं इनके मार्क्स के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करूंगा तो डेफिनेटली दैट विल बी अ डिस्पर्स वन. तो ऐसी कंडीशन में यू विल बी राइटिंग इट लाइक नो कोरिलेशन, कि भाई क्वांटिटीज के बिटवीन कोई रिलेशन नहीं है, तो नो को रिलेशन. आखिरी दो डिस्कस करने के बाद देन विल डिस्कस टू पास पेपर क्वेश्चन. आखिरी दो डिस्कस करने के बाद देन विल डिस्कस टू पास पेपर क्वेश्चन. जैसे अब आपके पास आखिरी दो कोरिलेशन, क्वांटिटी ए के इंक्रीमेंट पे क्वांटिटी बी डिक्रीज हो रही है, या क्वांटिटी बी के डिक्रीमेंट पे क्वांटिटी ए इंक्रीज हो रही है, तो आपके पास ये डिक्रीजिंग कोरिलेशन है. ऐसे ही है ना, और डिक्रीजिंग कोरिलेशन को हम यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं. बट द थिंग इज, क्या ये सारे ही पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं? एंड इफ ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ फिक्स लाइन, तो आप ऐसी कंडीशन में नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, नेगेटिव को रिलेशन, नेगेटिव को रिलेशन. और अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि आपके पास पॉइंट थोड़े से डिस्पर्स होंगे. ये वाला को रिलेशन जो कि नेगेटिव को रिलेशन था, दैट इज नॉट ओनली नेगेटिव को रिलेशन, दैट इज परफेक्टली नेगेटिव को रिलेशन. ये को रिलेशन आपके पास को रिलेशन नेगेटिव सिर्फ नहीं था, दैट इज परफेक्टली परफेक्टली नेगेटिव को रिलेशन. लाइकवाइज मैं आखिरी केस के लिए प्लॉटिंग कर रहा हूँ, एंड दिस इज ओनली नेगेटिव कोरिलेशन बिकॉज देयर इज अ माइनर वेरिएशन बिटवीन द पॉइंट्स. तो इन दैट केस आप ऐसे केस को कहेंगे कि भाई ये नेगेटिव कोरिलेशन जरूर है, बट दैट इज ओनली नेगेटिव कोरिलेशन, नॉट परफेक्टली नेगेटिव, नेगेटिव को रिलेशन. सो होपफुली ये सारे के सारे ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे. अब इससे रिलेटेड हम एक डिटेल पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो होपफुली उसमें आपके और फर्दर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द फॉलोइंग कंडीशन. नाउ लेट्स मूव पर क्वेश्चन. मैंने दो सेपरेटली पास्ट पेपर क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी बाय पिक्चर लिखे हुए, वन बाय वन जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग पास्ट पेपर क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर डिस्कशन में एक बात और कर लूँ कि आपके पास स्कैटर्ड प्लॉट एसोसिएटेड क्वेश्चन पास पेपर में टोटल 4 मार्क का आता है, 4 to 5 मार्क्स मिनिमम, 4 to 5 मार्क्स मिन 4 मार्क्स. इन 4 मार्क्स की बायफर्केशन की बात कर लेते हैं. इन 4 मार्क्स की बायफर्केशन की बात कर लेते हैं. इफ वी टॉक अबाउट द बायफर्केशन ऑफ दीज 4 मार्क्स, फर्स्ट मार्क में एग्जामिनर आपसे प्लॉटिंग कंप्लीट कराता है. प्लॉटिंग कंप्लीट, प्लॉटिंग मतलब एक्स और वाई एक्सिस के अंदर वो सारी वैल्यूज को प्लॉट नहीं करेगा, तो कहेगा कि भाई रिमेनिंग वैल्यूज को प्लॉट कर दो, तो प्लॉटिंग कंप्लीट कराएगा. बेटा आवाज कट रही है तुम्हारी. प्लॉटिंग कंप्लीट कराएगा, कुछ कह रहे थे?
स्क्रीन स्क्रीन साथ में स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास, स्क्रीन नहीं आ रही। अब आ गई, अब आ गई। जी जी आ गई आ गई। ओके तो भाई पहले पार्ट के अंदर वो प्लॉटिंग कंप्लीट कराएगा, इन द सेकंड पार्ट वो तुम्हें लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करवाएगा, इन द सेकंड पार्ट वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कराएगा कि भाई बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लो, प्लॉटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करवा लेगा। थर्ड पार्ट में जो कि वन मार्क का होगा उसमें वो कहेगा कि भाई कोरिलेशन बता दो कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज, तो दे विल आस्क यू अबाउट द कोरिलेशन। और फिर लास्ट पार्ट के अंदर वो वैल्यू को एस्टिमेट कराएगा, किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट करवा लेगा, तो वो करवाएगा एस्टिमेशन। तो सीधे सीधे फ्री के 4 मार्क के क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली पेपर 2 में आप आने लगे, पेपर 1 पेपर 2 किसी में भी आ सकते हैं, कोई इसमें डिटेल बात नहीं होती। अब जरा एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं, लेट डिस्कस वन क्वेश्चन इन डिटेल। अगर तुम अभी के क्वेश्चन को रीड कर लो, सो द 10 बॉयज रैन इन 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस, भाई दो रेस है 100 और 200 मीटर की, टेबल्स बिलो शोज देयर टाइम्स इन सेकंड। तो भाई पहला हमारे पास टाइम है 100 मीटर रेस का और दूसरा टाइम है 200 मीटर रेस का। ऑब्वियसली भाई जो स्टूडेंट या जो पर्सन आपके पास 100 मीटर की रेस में भाग के कुछ टाइम कवर कर रहा है, 100 मीटर के लिए फोर से अगर वो 12 मिनट्स ले रहा है, वो 12 सेकंड एंड 12.3 सेकंड, तो ऑब्वियसली 200 मीटर में वो 23.9 सेकंड दे रहा है, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन होगा ना उनके बिटवीन। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आपके लिए ऑलरेडी प्लॉट हुए हैं। अब मैं तुम्हें पार्ट नंबर ए दिखाता हूँ। पार्ट नंबर ए में एग्जामिनर ने कहा है कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैज बीन प्लॉटेड फॉर यू, यू हैव टू प्लॉट द रिमेनिंग पॉइंट्स। भाई ये शुरू के 5 पॉइंट्स है ना जिनको उसने डार्क करा है, ये हमारी आसानी के लिए उसने प्लॉट करे, रिमेनिंग को प्लॉट करते हैं 14.7 के अगेंस्ट 32.5। पहले एक बात ये समझना, तुम्हारे पास मैंने स्टार्ट में एक पॉइंट ये लिखवाया था स्कैटर्ड प्लॉट के लिए कि व्हाइल प्लॉटिंग द स्कैटर्ड प्लॉट टू वैल्यूज प्लॉट अगेंस्ट वन अनदर, दो वैल्यूज को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करते हो, तो भाई जो भी दो वैल्यू गिवन होंगी उनमें से एग्जामिनर किसी को भी अलोंग एक्स एक्सिस ले लेगा, किसी को भी अलोंग वाई एक्सिस ले लेगा। जैसे अगर तुम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वो वाली बात याद हो, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में वी मस्ट टेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे ही था ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही अलोंग वाई एक्सिस आती थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही अलोंग वाई एक्सिस आती थी। लेकिन यहाँ पे वो किसी भी दो वैल्यूज है ना, दोनों में से किसी भी वैल्यू को अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कंसिडर कर लेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन, के अगर तुम कंडीशन की बात करो तो इस कंडीशन में दे आर कंसिडरिंग 200 मीटर टाइम अलोंग वाई एक्सिस एंड 100 मीटर टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। अब जरा प्लॉटिंग करते हैं, 14.7 के अगेंस्ट 32.5 मार्क करना है, 14.7 100 मीटर का, 14.7 100 मीटर का उसके अगेंस्ट 32.5, दिस इज समवर्ड 14.7 वाली लाइन ऐसी होगी ना, उसके अगेंस्ट 32.5 मार्क करना है। अच्छा यार मैं बिल्कुल एक्यूरेट तो मार्क नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग जब पेपर में ड्रॉ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी ड्रॉइंग इट मच बेटर और मच एक्यूरेटली। उसके बाद मार्क कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को 13.7 के अगेंस्ट 28.4, तो 13.7 मस्ट लाइज हेयर समवर्ड हेयर, उसके अगेंस्ट मार्क करना है हमें 28.4, सो 28.4 इधर कहीं आ रहा होगा जो मैंने क्रॉस लगाया। ओके नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ी सी इसकी इरेजिंग कर दूं, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स 12.9 के अगेंस्ट 26.1, दिस विल बी समहाउ 12.9, उसके अगेंस्ट मार्क करना है 26.1, सो दिस विल बी समहाउ 26.1, इधर कहीं होगा, एक्सिस लाइन को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 15.2 के अगेंस्ट 33.5, 15.2 लाइज समवर्ड हेयर, उसके अगेंस्ट मार्क करना है 33.5, सो हेयर 33.5 लाइज।
33.5 यहाँ कहीं लाया कर रहा होगा. ओके नाउ द लास्ट पॉइंट, नाउ द लास्ट पॉइंट 16.1 के अगेंस्ट 36, 16.1 के अगेंस्ट 36 ऐसा कुछ, 16.1 के अगेंस्ट 36, सो 36 ऑब्वियसली लाइज समवट हियर. एक्सेसिव लाइन को इरेज कर देते हैं, आई हैव इरेज द एक्सेसिव लाइन लाइक दिस. नाउ भाई हमने जो भी प्लॉटिंग थी पहले पार्ट में, दे आस्क अस टू कंप्लीट द डायग्राम, वी कंप्लीट द प्लॉटिंग, सो वी हैव कंप्लीट द प्लॉटिंग. तो हमारे पास ये सीधा सीधा देख लो 2 मार्क का क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जामिनर ने, क्योंकि प्लॉटिंग कोई 4-5 पॉइंट इसने प्लॉट करवाए, तो दे हैव गिवन 2 मार्क्स फॉर दिस, तो फ्री के भाई ये 2 मार्क्स हो गए. आगे वो पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन शोस इन द स्कैटर्ड डायग्राम, और पार्ट सी में कह रहा है ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन. भाई बेस्ट फिट लाइन बना लोगे तो कोरिलेशन भी बता दोगे. पहले तो मुझे बता दें यार, बेस्ट फिट लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो बेस्ट फिट लाइन मस्ट बी ड्रॉन समहाउ लाइक दिस. बेस्ट फिट लाइन सारे पॉइंट्स को कवर नहीं करेगी, आपके पास ऐसे उनके बिटवीन ड्रॉ हो जाएगी. सो दिस बेस्ट फिट लाइन मस्ट बी ड्रॉन लाइक दिस, जिसके अंदर, जिस बेस्ट फिट लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट आपको लग रहा होगा कि स्किप हो गया, ये पॉइंट स्किप हो गया, तो भाई ये सारे पॉइंट आउट ऑफ द लाइन है. तो मतलब कुछ पॉइंट लाइन के एक तरफ होंगे, कुछ पॉइंट लाइन के दो तरफ होंगे, कुछ पॉइंट इनफैक्ट लाइन के ऊपर भी आ रहे होंगे, समझ रहे हो. तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन. तो हमने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर ली और हमारे मुताबिक ऐसी ही कुछ लाइन होगी बेस्ट फिट लाइन. तो ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास कोरिलेशन होगा, परफेक्टली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, एनीवन, कौन सा कोरिलेशन होगा भाई? पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब अगर तुम लोग क्लियरली देखो ये मार्क्स भी फ्री के मार्क्स हैं कि तुमने बस कोरिलेशन बताना है और बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहली प्लॉटिंग 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के, कुछ सोचने वाली बात नहीं. बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना कुछ सोचने वाली बात नहीं, कोरिलेशन बताना कोई सोचने वाली बात नहीं. तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई स्कैटर्ड कोरिलेशन, तो मैं बोलूंगा भाई ये है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन, रिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन. और फिर लास्ट पार्ट पे आते हैं, और लास्ट पार्ट में वो कराता है एस्टिमेशन. इन लास्ट पार्ट दे विल आस्क यू टू एस्टिमेट समथिंग. अब उन्होंने बोला एन अदर बॉय रिकॉर्डेड अ टाइम ऑफ 27.5 सेकेंड इन 200 मीटर रेस. भाई तुम्हारे पास 200 मीटर वाली रेस में उसका जो एक तरह से रनिंग टाइम आपके पास गिवन है, दैट रनिंग टाइम इज गिवन एज 27.5 सेकेंड. यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द टाइम दैट इट वुड टेक टू रन 100 मीटर. अब देखो भाई यहाँ पे सवाल है एस्टिमेशन का. एस्टिमेशन का मतलब क्या है? एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा एस्टिमेटेड आंसर और तुम्हारे फ्रेंड का एस्टिमेटेड आंसर मे बी सेम ना आए, लेकिन करीब तर जरूर होगा. तो 27.5 इज अगेंस्ट 200 मीटर, तो आप चलेगा भाई ये 200 मीटर अलोंग वाई एक्सिस है, तो अलोंग वाई एक्सिस 200 मीटर पे आपने टाइम सर्च आउट करा 27.5. सो 27.5 कहां पे लाया करेगा? देयर वेयर सम व्हाट 27.5 में लाए, इधर कहीं लाया कर रहा होगा. आपने 27.5 के अगेंस्ट डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, एंड आफ्टर ड्रॉइंग दैट डॉटेड लाइन आपने यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस वैल्यूज को रीड कर लिया. अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस अब वैल्यू को रीड करो, तो 100 मीटर रेस का टाइम अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास कितना आ रहा है? एनीवन, मेरे मुताबिक कोई 13.4 आ रहा है. मेरे मुताबिक ये कुछ 13.4 आ रहा है. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई जो 100 मीटर में उसका एस्टिमेटेड टाइम होगा, दैट विल बी अराउंड 13.4 seconds. तो ये मार्क्स आ गए. अब एक बात ये समझना, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई एस्टिमेटेड टाइम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि भाई किसी की अगर बेस्ट फिट लाइन समहाउ ऐसे कुछ ड्रॉ हुई भी हो, थोड़ी सी इधर होके बेस्ट फिट लाइन है ना, मैंने ड्रॉ कर दी, किसी ने थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ कर दी होगी, तो उसका ये वाला टाइम, तो उसका जो टाइम फ्रेम होगा वो इधर कहीं पहुंच जाएगा, उसका ये जो टाइम फ्रेम होगा वो इधर कहीं कुछ पहुंच जाएगा, मतलब 13.1-13.2 तक पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं. तो माइनर सी वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है, तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. माइनर सी ये वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है, हर एक की बेस्ट फिट लाइन में माइनर सी वेरिएशन होगी, जिसकी वजह से वैल्यू वेरिएट करेंगी, तो सीधे सीधे 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. अगर प्लॉटिंग ज्यादा होगी तो 2 मार्क की होगी,
प्लॉटिंग थोड़ी कम होगी तो वन मार्क ही होगी, तो मतलब चार मार्क्स तो इसके फिक्स हैं ही हैं। अब यार ये वाला क्वेश्चन देख लें, द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है। द टेबल बिलो शोज द एवरेज मंथली टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इन टोक्यो एंड सिडनी फॉर वन ईयर। एक साल के टेम्परेचर गिवन है भाई टोक्यो और सिडनी में। तो जब हमारे पास सिडनी के अंदर टेम्परेचर 23 डिग्री होता है एट दैट टाइम, इन टोक्यो वी आर हैविंग 5, और जब हमारे पास फेब की बात हो रही है, मार्च अप्रैल एंड सो ऑन, ये सारे टेम्परेचर्स गिवन है। पहला पार्ट वही बच्चों वाला, कंप्लीट द स्कैटर्ड डायग्राम, द फर्स्ट 8 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। देख लो जैन से लेके अगस्त तक के टेम्परेचर हमारे लिए प्लॉट करे, में कह रहा है आगे की प्लॉटिंग कर लो। अब देखो प्लॉटिंग से वो चार वैल्यूज करा रहे, तो इन दैट केस दे आर ओनली इन द फॉलोइंग क्वेश्चन गिविंग वन मार्क। इस क्वेश्चन में सिर्फ वन मार्क तुम्हें मिल रहा है उस प्लॉटिंग के लिए। तब बात कर लेते हैं उस प्लॉटिंग की भाई। अगर आपके पास 16 टेम्परेचर होगा सिडनी में, तो टोक्यो में 23। अब दो वैल्यूज के अगेन जब प्लॉटिंग होती है तो एग्जामिनर खुद ही बता देगा भाई वो दो वैल्यूज में उसको कौन सी एक्स में ले रहा है कौन सी वाई में। टेम्परेचर टोक्यो का अलोंग वाई एक्सिस है, टेम्परेचर सिडनी का अलोंग एक्स एक्सिस है। टोक्यो टेम्परेचर इज अलोंग वाई एक्सिस, सिडनी टेम्परेचर इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं बात करूं 16 के अगेंस्ट 23, 16 इन सिडनी, सिडनी में अगर मैं 16 की बात करूं तो दिस विल बी द लाइन ऑफ 16, कुछ ऐसी लाइन होगी 16 के लिए, और उसमें टोक्यो में कितना होना चाहिए 23, तो 23 आपके पास इधर कहीं आ रहा होगा। अगर 23 की बात करी जाए तो 23 लाइज समवट हियर। एक्सेसिव लाइन को इरेज कर देते हैं, एक्सेसिव लाइन को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करते हैं, 18 18, दोनों जगह 18 है भाई। 18 18 सिंपली मीन्स दैट, 18 18 सिंपली मीन्स दैट 18 आपके पास समवट इधर आ रहा होगा। ओके, 18 lies somewhat here, 18 lies somewhat here, दोनों का intersecting point ये आ गया, this is the intersecting point, excessive lines को erase कर देते हैं, excessive lines को erase कर देते हैं, इसको थोड़ा सा dark कर लेते हैं, okay, like this। अच्छा भाई next की बात कर लेते हैं, next one is 2012, next one is 2012, 20 in Sydney, 12 in Tokyo, 20 in Sydney, 12 in Tokyo, so 20 in Sydney lies somewhat here, 20 in Sydney lies somewhat here, और Tokyo में आपके पास है 12, तो 12 in Tokyo lies somewhat here, इधर कहीं होगा, like this, हाँ इधर कहीं होगा 12। तो फाइनली इनको मार्क करते हैं, लाइन को रिमूव कर देते हैं, सो दिस लाइन रिमूव्स। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वन इज 21 और 8, तो 21 इन सिडनी, 8 इन टोक्यो, 21 इन सिडनी, सो दिस इज लाइक 21, कुछ लगभग ये 21 को शो कर रहा होगा। 8 आपके पास यहाँ पे कुछ आ गया, 8 आपके पास यहाँ पे कुछ आ गया, तो पॉइंट मार्क करते हैं, लाइंस को रिमूव करते हैं, रिमूविंग द लाइंस। ओके भाई स्टूडेंट्स, फाइनली आपने प्लॉटिंग स्लॉटिंग तो कर ली, चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिए, एक रकात का सवाल था, एक मार्क्स मिल गया। नाउ इन पार्ट नंबर बी, बल्कि एक मार्क का था, दो मार्क का, बल्कि इधर भी आपके पास ये दो मार्क का ही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स, प्लॉटिंग के मार्क्स ये थे, प्लॉटिंग के मार्क्स ये थे, तो स्टिल इट इज ऑफ 2 मार्क्स। ओके, अगर एक या दो पॉइंट प्लॉट करने होंगे ना, तब वो आपको 1 मार्क का दे रहा होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो पहले बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लेते, फिर कोरिलेशन भी बता देंगे उसको। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बता दो भाई कैसे ड्रॉ होगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट विल बी ड्रॉन समहाउ लाइक दिस, अकॉर्डिंग टू मी द लाइन ऑफ बेस्ट फिट विल बी ड्रॉन समहाउ लाइक दिस, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स को केटर कर रही है, मैक्सिमम पॉइंट्स को केटर कर रही है, लाइक दिस। ओके फाइन, बता दो भाई पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा कोरिलेशन है, रिलेशन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन, हाँ रिलेशन विल बी नेगेटिव कोरिलेशन। और फिर लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, एस्टिमेशन वाले,
भाई अगर मैं एस्टिमेशन की बात करूँ तो क्या एस्टिमेट करवा रहा है, वो कह रहा है द फॉलोइंग ईयर। देखो भाई इससे फायदा क्या होता है, अगर आपको ग्राफ्स के बिटवीन ट्रेंड पता हो ना, आपको पता हो कि यार पिछले साल जब टोक्यो में टेम्परेचर इतना था तो उसमें इतना था, तो आप मतलब एक ट्रेंड और एक एस्टिमेशन कर रहे होते हैं चीजों की एस्टिमेशन। तो इन द फॉलोइंग ईयर द एवरेज टेम्परेचर इन सिडनी ड्यूरिंग मे वॉज 15 डिग्री, सिडनी का बता रहे 15, वो पूछ रहा है by using a line draw the by using your Bashford line estimate the average temperature in Tokyo. Tokyo में average बता दो, जब Sydney में 15 था तो Sydney में जो 15 था, पहले line of Bashford के accordingly इसको check करते हैं, line of Bashford की help से इसको जरा कुछ चीजों को check करते हैं। हमने draw करा 15 पे, we have drawn at 15, ये Bashford line, ये हमारी line जो कि 15 है, 15 पे Bashford line को कहाँ पे हमारे पास कट कर रही है, ये बैशफोर्ड लाइन को कट कर रही है एट द फॉलिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप टोक्यो का टेम्परेचर रीड कर लेंगे, मेरे मुताबिक ये टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, जो एक्सेसिव लाइन है उसको इरेज कर देंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी द temperature that is 22 degree centigrade. क्योंकि हमारी estimated value हमारे दोस्त की estimated value में minor सा difference होता है और वो difference acceptable होता है. कोई मुश्किल, कोई सवाल, कोई बात जो cumulative frequency जो scattered plot से related समझ में ना आई हो.